तो कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हर बीमारी और तकलीफ से बचाए, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे आज है फ्राइडे का दिन और ये बच्चे जो है वो ज़ोर की नमाज़ पढ़ रहे हैं। आरिज ने सारे टॉयज बिखेरे हुए थे, फिर मैंने इनसे कहा कि चलें जल्दी से नमाज़ पढ़ लो आप तीनों, तो ये लोग ऐसी टॉयज छोड़ के जो है वो नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए। और यहाँ जाते हैं, ये देखें आज यहाँ पक रहा है, यहाँ हो रही है कोरमा बनाने की तैयारी, जो कि मेरी फेवरेट डिश है। तो सबसे पहले हम जो है तीन छोटे साइज़ की अनियन ले लेंगे, उसको हमने कट करके ऑयल में डाल देंगे, ब्राउन तक इसे पकाएंगे। ये देखें यहाँ पे ये ब्राउन हो चुकी है। देन इसमें हम डालेंगे गोश्त, अदरक लहसुन, प्याज हम फ्राई करके निकाल लेंगे और उसको फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि वो थोड़ी कड़क हो जाए। अब जो है वो हम ऑयल में डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन, इसको अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पे जब इसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे कोरमा मसाला, शान का कोरमा मसाला ऐड करेंगे इसमें हम। मैं ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालती गरम मसाले वगैरह, क्योंकि ये गरम मसाले जो है इनके बाबा के मुंह में आते हैं तो वो गुस्सा करते हैं। तो मैं ज़्यादातर सालन हो या कोई भी चीज़ सब्ज़ी वगैरह, तो मैं उसमें जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला ही ऐड करती हूँ। साबुत गरम मसाले मैं नहीं डाल सकती, वरना फिर ये बोलते हैं कि मुँह में आ रहा है, ये हो रहा है। हम इसको फिर अच्छे से भुनाई करेंगे मसाला डाल के, कि जो इसका तेल है वो सेपरेट हो जाए। और मैं आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ जिन लोगों ने जो है मुझे सब्सक्राइब किया, और जो नए आने वाले हैं वीडियो देखने वाले, वो भी उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी मुझे सब्सक्राइब करें। यहाँ पे जो है हमने दही और प्याज जो पीस हमने ब्राउन करके निकाली थी, हमने जो प्याज ब्राउन करके रखी थी हमने वो, और दही जो है ग्राइंड करके इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको दोबारा से जो है वो हम भूनेंगे, ताकि ये तेल बिल्कुल जो है वो सेपरेट हो जाए। ये देखें हमारा बहुत यम्मी सा कोरमा रेडी है, और ये बहुत मज़े का बना था, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और जब जब मैं कोरमा बनाती हूँ तब तब हमारे घर में जो है वो तंदूर की रोटी आती है और हम उससे खाते हैं, और वो बहुत अच्छा लगता है, उसका टेस्ट ही दुबाला हो जाता है। और यहाँ पे ये आरिज भी खाने लगे हैं। आरिज को सालन जो है वो बहुत अच्छा लगता है, वो खा लेते हैं सालन, अदरवाइज़ जो है अगर राइस, आरिज को इतने नहीं पसंद राइस, वो इतनी शौक से नहीं खाते जितना वो सालन रोटी खाते हैं शौक से। यहाँ पे आ रहे इसको मैं खाना खिला रही हूँ और वो तारीफ़ कर रहे हैं कि मम्मा बहुत बहुत यम्मी बना है कोरमा। और आ जाते हैं हम यहाँ पे अपनी खीर की तरफ। आज मैं बना रही हूँ खीर, और खीर भी बहुत अच्छी बनी थी। ये बन रही है शान खीर मिक्स के डब्बे से। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा मीठा बनाती थी, अब तो मैंने बहुत ज़्यादा मीठा बनाना कम कर दिया है, क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है। यहाँ पे हमने 2 लीटर दूध लिया है, इसे हमने अच्छे से बॉईल कर लेंगे। जब ये बॉईल हो जाएगा तो हम इसमें 1 कप शुगर ऐड कर देंगे, और फिर हम इसमें जो है वो चमचा चलाएंगे। यहाँ पे जो है वो हमने चावल सोख करके रख दिए थे 1 घंटे के लिए, तो वो जो है हमने सोख किए हुए चावल को ग्राइंड कर लिया। अब इसमें जो है वो हम पैकेट डाल देंगे खीर का। ये देखें यहाँ पे जो है वो मैंने चावल भी ऐड कर दिए इसमें ग्राइंड जो मैंने करे थे,
और हम इसको इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा हो जाए। और हमें चमचा जो है इसमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है, वरना चावल नीचे से लग जाएंगे। तो हमें इसको जब तक पकाना है जब तक ये खीर गाढ़ी ना हो जाए। फिर इसके बाद जो है मैंने इसमें ऐड किया है पाउडर दूध, क्योंकि पाउडर दूध डालने से जो है इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा खोए जैसा टेस्ट आता है और अच्छा लगता है टेस्ट। तो मैं लाजमी जो है वो पाउडर दूध ऊपर से हम जो है 3 स्पून इसमें ऐड कर देंगे, मैं लाजमी डालती हूँ। ये देखें ये जो है गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है खीर। यहाँ पे देखें हमारी खीर गाढ़ी हो चुकी है और पक के रेडी भी हो चुकी है और बहुत मज़े का टेस्ट था। इसका कलर चेंज इसलिए हो गया क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, कलरफुल खीर अच्छी लगती है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग ऐड किया था तो इसका जो है वो कलर चेंज हो गया है। अब हम इसको जो है वो डिश आउट करेंगे। यहाँ देखें हम ये इसको डिश आउट कर रहे हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनी थी। यहाँ हमने जो है इसको कोकोनट जो पिसा हुआ था उससे और आलमंड से जो है वो हमने इसके ऊपर डाल के इसको गार्निश किया है। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।